सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग कैसे, उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे ही होंगे। आज फिर मैंने रोलैंड एसपीजी 20 प्रो पैड पर एक दुग्गी का पैच बनाया है, जिसमें दो ही जगह पर दुग्गी लगती है तब वो पैटर्न बचता है, लेकिन मैंने यहाँ पर चार जगहों पर लगाई है और बहुत अच्छा पैच बनाया। आप लोग इसे ज़रूर अपने पैड में बनाएँ और बजाएँ, हमें ज़रूर बताएँ। आइए आपको पहले इसका बजाने का तरीका और उसके बाद आपको फिर एडिटिंग बताऊंगा। और आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जिस भाई को किसी भी पैड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी पैड का बैकअप चाहिए तो हमसे संपर्क करें। सामने आपको नंबर भी दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। आइए चलते हैं पैड की ओर। आइए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा पैच बना है, देखते हैं पहले खाने में और पहली बैंक से। पहले खाने में आई 20 की साउंड है, दूसरे खाने में आई 19 की साउंड है, तीसरे खाने में आई 19 की साउंड है और दूसरी बैंक में O01 के घुंघरू हैं, चौथे खाने में B47 का बेस है, दूसरी बैंक में E23 की साउंड है, बड़ी E23 नंबर की साउंड है, इस खाने में I02 की साउंड है, दूसरी बैंक में H02 की साउंड है और इस खाने में IN039 की ढोलक की चांटी है और दूसरी बैंक में F17 का मजीरा लगा है, इस खाने में O01 के घुंघरू पड़े हैं और दूसरी बैंक में बड़ी H12 नंबर की साउंड है और इस खाने में B02 की साउंड है क्लेप और दूसरी बैंक में बेस पड़ा है B47 का। वॉल्यूम देखते हैं, सबसे पहले इसका 102 कर लें, इसका 127 कर लें, इस दोनों बैंकों का 120 कर लें और इसका आप कर लें दोनों का 115, इसका आप 100 कर लें और इसका आप दोनों का 110 कर लें वॉल्यूम और इसका 100 कर लें दोनों बैंक के और इसका आप 115 तक बेस और क्लेप का आप 110 या 100 कर लें और बेस का 115 से 20 तक रख सकते हैं। आइए देखते हैं पिच, पहले का प्लस 20 है, दूसरे का प्लस 20 है, तीसरे का प्लस 15 है और घुंघरू जो लगे हैं उनका प्लस 6 है, जो दूसरी बैंक में घुंघरू लगे हैं उनका प्लस 6 है और इस खाने में जो बेस है उसका 0 है और जो दूसरी साउंड लगी है E23 की उसका आप पिच -5 कर लें
और इसका आप प्लस 15 रखें, इसका आप 0 कर लें, और जो मजीरा है उसका माइनस 1 से 2 कर लें। और इसका जो घुंघरू और चोक लगी है, घुंघरू का आप प्लस 10 कर लें, और जो चोक है उसका आप 0 रखें, 0 से 2 तक कर सकते हैं। और इसका क्लेप का प्लस 2 कर लें और बेस को 0 रखें पीछे। आइए देखते हैं डी के, पहले का 100 कर लें, दूसरे का भी 100 कर लें, तीसरे का दोनों बैंक के 100 कर लें, चौथे का 80 कर लें दोनों बैंक के, इसका भी 100 कर लें, और इस खाने का घुंघरू है जो मजीरा लगा उसका 60 कर लें, और ढोलक की चांटी का 100 कर दें, और इसमें दोनों बैंक के 100 रखें, और इसका 80 कर लें दोनों बैंक के, क्लेप का 80 और बेस का भी 80 रखें। बाकी इसमें हमने कुछ किया नहीं, ना ही डिले लगाए। आपको अगर हमारे बताने के अनुसार कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। राम राम।